तो हिंदी की एक बहुत फेमस कहावत है कि चिंता चिता के समान है। अब अपने इसी स्ट्रेस को यार हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए आज आप लोगों को मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ। सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू लैब मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग यार काफ़ी अच्छे होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। अब स्ट्रेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो स्ट्रेस यार काफ़ी तरीके के होते हैं। आप लोग को हो सकता है अपने जॉब या फिर वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है आप लोग को फैमिली कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है आप लोग को पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस या फिर अपने रिलेशनशिप से लेकर स्ट्रेस हो। लेकिन आज जो मेरा स्पेशल यहाँ पर फोकस रहेगा वो जो हम लोग की एग्ज़ाम टाइम की प्रिपरेशन होती है उसमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, ये इससे डील करना मैं आप लोग को यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। अब देखो एक्सेस स्ट्रेस लेने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये भी तो पहले जान लीजिए। एक्सेस स्ट्रेस लेने से आप लोग को पहली बात है कि इंसोम्निया हो जाएगा, यानी कि नींद ना आने की बीमारी। रात में आप लोग देखते हैं कि दो दो तीन तीन बजे आता है, आप लोग फ़ोन चलाते रहते हैं, नींद नहीं आती ना, तो ये किसके सिम्टम्स है? इंसोम्निया के। एंड इंसोम्निया भी अगेन कुछ और हेल्थ जो आप लोग की कंडीशंस होती हैं उस पर लीड करती हैं, जैसे कि आपका एक्सेस या तो वेट गेन होएगा या तो आप लोग का एक्सेस वेट लॉस होएगा, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप के ऊपर, ठीक है। अब कैसे हम लोगों को अपने पढ़ाई के स्ट्रेस को मेंटेन करना है ये मैं आप लोग को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नंबर वन कि अपने आप लोग को यार स्मॉल टारगेट्स दीजिए, बिकॉज आप लोग को मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है एटलीस्ट वहाँ पर 6 महीना 8 महीना या फिर 1 साल तक आप लोग को देना पड़ता है, और इतने लंबे समय तक के लिए मोटिवेटेड रहना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो यार बड़ा जोश आता है कि हाँ मुझको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई करते हैं तब असलियत वहाँ पे समझ में आती है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप लोग को छोटे टारगेट दीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने अपने आप को टारगेट दिया कि इस एक हफ्ते में मुझे मैथमेटिक्स का परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है अपनी साइड से पूरा फिनिश कर देना है। तो जब एक हफ्ता होगा, आप लोग पूरी अपनी मेहनत करके आप लोग ने ये दोनों चैप्टर निपटाए होंगे, तो आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है। कॉन्शियसनेस यार बहुत ही आसानी से बेकाबू हो सकती है, इसी वजह से इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो ये मेरी थी आप लोग के लिए टिप नंबर वन। देन जो सेकेंड टिप देना चाहूँगा, टेक अ ब्रेक, ठीक है। हम लोग यार ऐसा कई बार होता है कि यार सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया, ना फैमिली से कोई बात कर रहे, ना हम लोग ने थोड़ा सा सोशली एंगेज किया, ये बिल्कुल नहीं करना है। बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए, बिकॉज ऐसा यार बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप लोग दिन में 18-18 घंटे तक रट्टा मार रहे हैं और यही आप लोग का सेम पैटर्न फॉलो चलता चला जा रहा है पूरे साल तक, ठीक है। इट्स नॉट हेल्दी एज वेल। तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं बीच बीच में अपने पढ़ाई के टाइम पे, 30 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, या तो आप लोग अपनी सोच फनी क्लिप दे सकते हैं, म्यूजिक अगर आपको पसंद है तो म्यूजिक लिसन कीजिए, इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर। ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो से म्यूजिक आपको पसंद है ये मैं रिकमेंड, मैं इसमें मैं आपकी चॉइस नहीं जानता। देन जो यहाँ पे टिप नंबर 3 मेरी होगी कि सोशल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। भले ही आप लोग अपना आधे घंटे दोस्तों से जाकर मिल रहे हैं, अपनी फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है उससे बातचीत कर रहे हैं, सोशल एंगेजमेंट लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसके बिना भी हम लोगों का जो स्ट्रेस मैनेज करना है काफ़ी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब जो यहाँ पर टिप नंबर 4 है कि अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना पढ़ाई करते करते, मुझको मालूम है मैं भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम वाले फेज से गुजर चुका हूँ एंड बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि उस फेज में अभी अटके हुए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आ ही जाती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज ज़रूर कीजिए वाया एनी फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को बताऊँ एक अपना पर्सनल किस्सा। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो मेरा एक दोस्त था बहुत पतला सा था, उसको यार फ्रस्ट्रेशन होता था तो वो आधी घंटे से 1 घंटे तक बॉक्सिंग करता था लगातार। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग अगर 5 मिनट भी बॉक्स कर लेंगे ना, जो बॉक्सिंग होती है पंचिंग बैग के ऊपर, आप लोग के पूरे पसीने छूट जाएंगे, आप ज़मीन पर होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस ज़रूर रिलीज कीजिए वाया एनी फिजिकल एक्टिविटी। मैंने बताया एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग, रनिंग कर सकते हैं, बॉक्सिंग, जो भी आप लोग को पसंद है, ठीक है। इसमें भी टाइम देना देखो ज़रूरी है, तभी लॉन्ग टर्म के लिए जो आप लोग हैं अपना ये गोल सस्टेन कर सकते हैं। देन लास्टली मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर टिप्स देना चाहूँगा फूड से रिलेटेड। अफकोर्स आपको मालूम है, देखो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो फूड से रिलेटेड बताऊँगा, बिकॉज हम लोग क्या खाते हैं वही डिटरमाइन करता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। लास्ट में एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दिया हुआ था, जब हम लोग वहाँ पर मेमोरी बूस्ट के लिए कर रहे थे, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या क्या आप लोग को फूड्स लेने हैं और क्या क्या नहीं लेने, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़, आप लोग को अपना जो कैफीन इनटेक है
उसको लिमिट में रखना होगा। डेली रिकमेंडेशन 300 mg से 400 mg होती है, उससे ऊपर हम लोग को नहीं बढ़ाना, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट हैं तीन तीन चार चार कप कॉफ़ी पिए पड़े हैं, उसके ऊपर से चाय भी, फिर आप लोग एनर्जी ड्रिंक्स भी बीच बीच में एक लो ही लेते हैं, अगर जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे प्री वर्कआउट ले लिया। सो इससे मैं बता रहा हूँ कि इंसोम्निया आप लोग का काफ़ी बढ़ेगा। तो कैफीन इनटेक को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देन कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं अगर एक्सेस स्ट्रेस होता है। नंबर वन अश्वगंधा, इसमें मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, प्रॉपर जो मेडिकल रिजल्ट्स आते हैं वो भी मैंने वहाँ पे रखे हुए थे। तो अश्वगंधा क्या करता है, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, इसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है, और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा हुआ है, इसको आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आप लोग के जो नट्स हो जाते हैं जैसे कि कैश्यूज एंड वॉलनट्स, इसमें क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, इसको सोने से आधे घंटे 15 मिनट पहले ले लीजिए, आप लोगों को नींद भी अच्छी आएगी एंड ऑफकोर्स इसमें हेल्दी फैट्स है तो आप लोग को हेल्प करेगा ही करेगा। एंड अगेन लास्ट, टी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी, कैमोमिल टी, वरना फिर अपनी जो नॉर्मल चाय है वही है, वो भी काफ़ी स्ट्रेस रिलीवर होती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पर करनी है ये लिमिट में रह के करनी है, डेली अपनी जो रिकमेंडेड इनटेक है उसको नज़र रखते हुए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो वीडियो मैंने दिया था आप लोग के लिए यार हेल्पफुल रहा होगा। इसको डेफिनेटली देखो, अप्लाई करके देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हवा में बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी किया, उनको भी हेल्प करी। तो देखो आदत बनने में टाइम लगेगा, एक हफ्ता दो हफ्ता, वो कहते हैं ना किसी भी आदत को बनने में 18 दिन लगते हैं, 18 या फिर 21 दिन कुछ ऐसे ही डायलॉग था। हाँ तो 18-21 दिन तक आप लोग भी डेफिनेटली ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो इसको रेगुलर में अपनी लाइफ में ला पाएंगे। होप कि वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन।